YouTube चैनल के लिए वॉच टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी ग्रोथ के लिए भी और उसकी मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए भी। जी हाँ, लेकिन ये वॉच टाइम का क्राइटेरिया फुलफिल करना अपने आप में एक बहुत टफ जॉब है। इस टफ जॉब को आसान करने के लिए आज मैं आपको चार ऐसे वेज बताऊंगा जिससे आप अपने वॉच टाइम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने चैनल पर 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम कर सकते हैं। और ये चारों के चारों वेज में से तीन वेज मेरे फेवरेट हैं। जो सबसे पहला वे है और जो सबसे लेजेंड वे है वो मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, लेकिन जो मेरे तीन वेज हैं उसकी जरूर से वेट कीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं और आप उसे इंप्लीमेंट कर पाए। तो हमारा सबसे पहला और लेजेंड वे है कि आपको अपनी वीडियो को चलाना होगा। जी हाँ, इसके लिए जो सिंपल रूल है YouTube की तरफ से वो वही है, आपको व्यूज से ज्यादा वॉच टाइम पर ध्यान देना है। इसके लिए आपको अट्रैक्टिव थंबनेल और टाइटल रखना है ताकि लोग क्लिक करें, उसके बाद आपकी वीडियो पर इंगेजमेंट आए प्रॉपर, आपकी वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन तक व्यूअर देखे। उसके लिए आपको उसको वीडियो एडिटिंग के टाइम कुछ ग्राफिक्स ऐड कीजिए या फिर कुछ क्वेश्चन पूछिए या फिर उसकी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें आपको अपनी वीडियो में करनी पड़ेंगी ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपकी वीडियो को देखता रहे। ये तो रही सबसे पहली और एक ऐसा मेथड जो हर कोई यूट्यूब पर बता रहा है, ये हो गया जो सबसे लेजेंड है। नाउ टाइम फॉर द एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो है हमारे तीन मेथड, जो हमारा तीन में से पहला मेथड है वो है गूगल एड्स। जी हाँ, गूगल एड्स हमारा एक ऐसा मेथड है जिससे आप वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि भैया अगर गूगल एड्स से वॉच टाइम गेन करोगे तो कोई भी वॉच टाइम नहीं आएगा आपका। मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए के हिसाब से आपका मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा, ये पॉलिसी बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, वो सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो एड यानी कि गूगल एड्स चलाओगे, ठीक है, यूट्यूब वीडियो एड चलाओगे और चलाने के बाद आप में आपका वॉच टाइम गेन नहीं होगा, ये सिंपल है। लेकिन अब आपको जो चलाना है वो इस तरह से चलाना है कि जिस वीडियो पर आप ऐड चला रहे हैं वो आपके पार्ट वन होना चाहिए वीडियो का, एंड पार्ट टू आपका आएगा उस टाइम जिस दिन आपने वीडियो रिलीज़ की उसके 5 से 10 दिन बाद। और आप पार्ट वन में बताओगे कि मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो पार्ट टू देखने के लिए, और पार्ट वन आपका बहुत इंगेजिंग होना चाहिए और पार्ट टू के में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वो वेट करें, देन वो पार्ट टू ज़रूर से देखेंगे और पार्ट वन को आप प्रमोट करेंगे गूगल एड्स के ज़रिए। यानी कि पार्ट टू से आपको सारा वॉच टाइम आएगा, पार्ट वन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा और पार्ट वन को आप उन 5 दिनों में एग्रेसिवली प्रमोट करोगे और पार्ट वन में ही आप उस पार्ट टू वीडियो की जब आने वाली है उसकी डेट भी बता दोगे और कमेंट भी पिन कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दोगे और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए भी बोल दोगे। लेकिन याद रखिए, पार्ट वन उनका ऐसा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वो वेट करें पार्ट टू के लिए, राइट। तो ये है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला मेथड। नाउ बात करते हैं सेकंड वे की, वो हमारा सेकंड वे कुछ इस तरह से है कि आप फेसबुक ऐड से वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक ऐड एक ऐसा मेथड है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर लोग जानते हैं। फेसबुक ऐड एक ऐसा मेथड जिससे आप अपने वॉच टाइम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। हम कराते हैं, हमने करवाए हैं, बहुत सारे चैनल्स को मोनेटाइज करवाए हैं, हम सोशल मीडिया प्लस फेसबुक ऐड्स की मदद से हम प्रमोट करते हैं आपके चैनल को, जिससे आपका ऑर्गेनिकली, जी हाँ, आपका वॉच टाइम फुलफिल होता है। अब तक हम ऑलमोस्ट 2500 यानी कि 2460 वाला हमारा जो लास्ट नंबर था उसको मैं 2500 कह सकता हूँ, तो 2500 प्लस चैनल को हम मोनेटाइज करवा चुके हैं। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा, करवाए हैं भैया, देख लो हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रिव्यूज़ वीडियो, 400-500 रिव्यूज़ पड़े होंगे, आराम से देखते जाओ। तो हमने करवाए हैं इसी मेथड से। अब ये कैसे होता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और फिल कीजिए फॉर्म को ताकि हमारी टीम आपको बता पाए कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इस मेथड से आपके चैनल को मोनेटाइज करवाने में। नाउ अब हम बात करते हैं अपना लास्ट मेथड की, जो बहुत ही सही है। मैंने देखा है कि ये मेथड से भी बहुत लोग अर्न कर रहे हैं यूट्यूब पर, वो है आप चैनल को बाय कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग के केस में, या आपने चैनल बनाना है, या आपने कुछ वीडियोज़ अपने चैनल में डाल भी दी हैं लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो इस केस में आप किसी
मोनेटाइज चैनल को बाय कर सकते हैं। और मैंने ये बहुत देखा है कि मोनेटाइज चैनल को बाय करने के बाद लोग उसमें लाखों रुपए की अर्निंग निकालते हैं। जी हाँ, बहुत तरह के मेथड है यूट्यूब पर, वो मेथड से अर्निंग निकालते हैं और एक जेन्युइन कंटेंट डालते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मोनेटाइज चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा। इवन मैं बहुत सारे ये चीज़ टेस्ट कर चुका हूँ, मोनेटाइज चैनल ज़्यादा ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू एक नया वाला चैनल जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो सब्सक्राइबर से स्टार्ट करना है। मोनेटाइज चैनल पर एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम एंड ऑलरेडी मोनेटाइज होगा वो, राइट। और उसमें नीश वगैरह भी मेंटेन अभी वो मैटर नहीं कर रही है क्योंकि मैं ये ऑलरेडी सारी चीज़ टेस्ट कर चुका हूँ। तो कहाँ से भी लिया जाए मोनेटाइज चैनल, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वो है सेल ट्यूब, जहाँ से आप मोनेटाइज चैनल को बाय कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उनके मतलब इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा और उनका यूट्यूब चैनल का भी दे दूंगा। बेसिकली वो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, तो सबसे इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ से अपने मोनेटाइज चैनल को भी बाय कर सकते हैं। तो ये थे जी चारों वेज कैसे आप अपने 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।